सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सूर्य की महादशा में मंगल का अंतर आ जाए तो किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे? अब सूर्य की महादशा चल रही है, मंगल चूंकि सूर्य के मित्र हैं तो यहां पर मंगल अत्यंत लाभ देने वाले हो जाते हैं। अब मंगल की स्थिति भी देख लीजिए, मंगल अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, उसके अलावा बलवान है, मतलब मित्र राशि में है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, ऐसी अवस्था में मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। वहीं पे मंगल लग्नेश के साथ में हो जाएं या नवमेश के साथ में हो जाएं, पंचमेश के साथ में हो जाएं, ऐसी स्थिति में भी मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। अब परिणाम किस प्रकार के होंगे? तो मंगल यहां पर आपको शासन प्रशासन में बहुत लाभ देने वाले होंगे। कोई प्रमोशन अगर आपको मिलना है, कोई ऊंची पोस्ट मिलनी है, तो मंगल यहां पर आपको वो दिला देंगे। उसके अलावा मंगल अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो यहां पर आपको खेती से, कृषि से लाभ होगा, भूमि से लाभ होगा। इसके अलावा मंगल भाइयों के भी कारक हैं, तो भाइयों से लाभ होगा आपको, अपने मित्रों से भी लाभ होगा, शत्रुओं का नाश होगा और हमेशा शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे जब मंगल की अंतर्दशा चल रही हो। और यहीं पे मंगल अगर महादशेश मतलब सूर्य से छठवें हो जाए, आठवें हो जाए, तो ऐसी दशा में मंगल उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो क्या स्थिति होगी? फिर भाइयों के साथ में बैर हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, फालतू के झगड़े में आप पड़ सकते हैं, बेवजह के कोर्ट कचहरी हो सकता है, तो इस प्रकार की चीजें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। लेकिन उसमें भी देखना आवश्यक है कि मंगल मित्र राशि के हैं, स्वराशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण के हैं, उच्च राशि के हैं। अगर इसमें से मंगल किसी भी प्रकार से बैठे हैं तो फिर ये कष्टकारी नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसी प्रकार से चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें आप तक आसानी से पहुंच जाए। और जो बेल आइकॉन है वो भी आप प्रेस कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी जाके हमको विजिट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। प्रणाम।